अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद के साथ माया मलिक आपके सामने हाजिर है। वेलकम करते हैं हम अपने प्रोग्राम के साथ आपको, और मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जिया खान। आई होप नाज़रीन आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और हमारे प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये स्पेशली आप लोगों के लिए प्रोग्राम तैयार किया गया है। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है, इसमें तमाम मसाइल हम डिस्कस करते हैं जो भी आपसे रिलेटेड हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में किसी से भी कोई प्रॉब्लम होती है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद होती है, जो शख्सियत होती है, वो माशाल्लाह से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका इल्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा वसी है और उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, करवाते भी हैं, और माशाल्लाह से वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन में योगा मास्टर हैं, रेकी उन्होंने किया है, सम द हीलिंग एनर्जी के एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा मैं क्या बताऊँ, आप रोज़ाना उन्हें देखते हैं, उनसे अपने मसाइल का हल तजवीज़ करते हैं, वो आपको तमाम मसाइल का हल बताते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं उनको वेलकम करती हूँ, द वन एंड ओनली डॉक्टर अब्दुल समद। अपने नाज़रीन को भी, ताकि वो कॉल कर सकें और जो भी इनको इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है हमसे शेयर करें और हमसे डिस्कस करें। तो आज का टॉपिक है हेयर फॉल, हेयर से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम हो सकती है वो, और दूसरा है लो ब्लड प्रेशर। तो सर आपने टॉपिक सुना और ये काफी कॉमन है ये टॉपिक भी, ये तो आजकल बालों का मसाइल, बहुत ब्लड प्रेशर, ये तकरीबन बहुत आम हो गए। सर मेरे बाल बहुत खराब अच्छा तो ब्लड बालों के, तो सर मैं आपके साथ काफी सारी हम लोग कंटिन्यू आपसे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ब्लड प्रेशर पर है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि एक तो हाई ब्लड प्रेशर होता है और एक लो ब्लड प्रेशर, दोनों में क्या फर्क है? जी लो ब्लड प्रेशर और हाई दोनों में फ़र्क है। ब्लड प्रेशर तो सेम है, ब्लड प्रेशर हम कह सकते हैं, मगर फ़र्क ये है कि एक का नाम है डायस्टोलिक और एक का नाम है सिस्टोलिक। अच्छा। डायस्टोलिक जो है जो नीचे वाले जो ब्लड प्रेशर होता है, और सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर जो हाई वाला होता है। अच्छा, ये चीज़। अच्छा ये फर्क है। अच्छा मैं खाली बालों का भी कुछ सवाल कर लेती हूँ। सर मुझे बताएंगे कि क्या मसाइल क्या होते हैं, क्या वजूहात होती हैं जो हमारे बाल गिरने लग जाते हैं? जी वजूहात तो बहुत है, बहुत होती है, नॉर्मली वजूहात है। देखिए वजूहात तो कुछ फिजिकल बीमारी की वजह से भी हो सकता है, नफसियाती बीमारी की वजह से भी हो सकता है, और केमिकल्स जो बॉडी में विटामिन के मिनरल्स के जो हमारे जो गजायत अगर सही नहीं पहुंचते हैं तो उसकी कमी की वजह से भी हो सकता है। अच्छा तो डॉक्टर साहब प्रोटीन के वजह से, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की कमी की वजह से होते हैं बाल के जो है ना गिरना, बाल का टूटना। अच्छा। ये तमाम के तमाम ज़्यादातर प्रोटीन आम तरीन चीज़ है हमारे बाल के, मतलब हमें प्रॉपर लेनी चाहिए। 100% हमारे बालों के लिए प्रोटीन जरूरी है। सर ये सर में खुश्की सिक्री हो जाती है तो इससे भी बाल गिरते हैं, ये तो हमारे सर में हो जाती है, हो जाते हैं, फंगस आ जाते हैं और इसकी वजह से बाल टूटते हैं, बाल गिरते हैं। ये बहुत खतरनाक खतरनाक जो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप बात कर रहा हूँ। जी जी कैसे हैं आप? ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से? जी मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। अच्छा पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, फिर आप आराम से बात करें डॉक्टर साहब से। जी जी खालिद बात कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब से मैंने ये बात करनी है कि मैं 6-7 माह हो गए जी, मुझे बाएं तरफ घबराहट वगैरह होती है और बीपी मेरा हाई हो जाता है। सही। मैं 7 माह गए और मैं सरकारी मुलाजिम हूँ गवर्नमेंट का, मैं ये है कि मैंने टेस्ट वगैरह सारे करवाए हैं हॉस्पिटल से, बल्कि FSC से भी करवाए हैं, ईको करवाया है, ETT भी, और टेस्ट मेरे सारे ठीक है, तकरीबन 7 माह हो गए टेस्ट हुए। अच्छा। तो अभी भी मुझे ये प्रॉब्लम है कि मुझे तंगी होती है और घबराहट होती है, दिल जो घटना शुरू हो जाता है इस तरह। अच्छा बीपी मेरा हाई हो जाता है। तो 6 महीने से कोई टेंशन, कोई ऐसा कोई मसाइल तो नहीं? नहीं डॉक्टर साहब कोई भी टेंशन नहीं है मुझे। अच्छा। तो मतलब ये है कि बस ये परेशानी होती है, अभी ये है कि तकलीफ होती है बहुत ज्यादा मुझे, घबराहट और ये तकरीबन तंगी बहुत ज्यादा होती है बाएं तरफ, खास करके घबराहट भी होता है बाएं तरफ का। अच्छा। तो ये पेट में जो है खींचे भी लगती है,
पेट जो मेरा तकरीबन बड़ा हो जाता है, तो गैस वगैरह की भी तकलीफ है मुझे तकरीबन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो टेस्ट मेरे जो है ना ब्लड के टेस्ट हुए सारे ठीक है मेरे तक, और इको भी ठीक है, ईटीटी भी ठीक है। मैंने ये आपसे पूछना है कि मुझे ये बता दें कि हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे, अगर टेस्ट वगैरह ठीक है तो? नहीं, हार्ट प्रॉब्लम ये नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है मैदे का, कोई गैस आपकी तेजाबियत बढ़ सकते हैं, इस तरह के कोई मसला है। घबराहट होते है, वोमिटिंग आते हैं जी? वोमिटिंग आते, उल्टी आती? नहीं उल्टी तो नहीं आती है, लेकिन बस घबराहट होती है, चक्कर आता है, मुंह मुंह खुशक हो जाता है मेरा। डकार बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा डकार। हाँ तो कोई, मैंने आपको कहा कोई मैदे का कोई प्रॉब्लम है आपको, जरूर मैदे का भी डॉक्टर साहब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया है। अच्छा। थोड़े दिन हुए हैं तो वो भी मेरा अल्ट्रासाउंड भी ठीक है। अच्छा हाँ, तो ये कोई ऐसा ये है कि मुझे तंगी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा घबराहट और तंगी होती है, और बीपी हाई हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। चलो जी, अभी आपको लाइव बता रहे हैं, ठीक है जी। बीपी हाई होते है, घबराहट होते है, तो ये कोई नफ्सियाती मसला भी हो सकते हैं। और आपको जो आप बता रहे डकार आता है, ये चीज़ें, ये अलामत होती है तेजाबियत का बढ़ना, गैस ट्रबल जो होती है मैदे का, तो इसके इलाज के लिए आपको नेचुरल तरीके से तो आपको एहतियात करनी चाहिए, और दही रात को आप इस्तेमाल कर लिया करें, बहुत अच्छे हैं आप, पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया करें, और खाने के बाद फौरन मत सोया करें, इस तरह कर ले कि रात को जो है उबली हुई सब्जी मकसद इस तरह लें, हल्की चीज़ें लें, ताकि आपके मैदा बरकरार हो जाए। दूध का इस्तेमाल भी अच्छे हैं, बाकी जो भी अगर प्रॉब्लम बहुत सीरियस है तो डॉक्टर से ज़रूर टच में रहें। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल बिल्कुल, इनको तो आपने बड़ा वो अच्छा इन्होंने जवाब दिया, बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं आपने बताया कि इस तरह से हल्की बिल्कुल, और कई लोगों को डॉक्टर साहब नहीं पता चलता है, बहुत बड़ी बात बताई आपने कि मतलब वाकई ये चीज उसमें भी आ जाता है, खाने के फौरन बाद सो जाते हैं, तो होता ये है कि एक तो नींद में नारामी होते हैं इंसान को, क्योंकि पेट भरा होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, कम्फर्टेबल इंसान नहीं होते हैं, और फिर रात को लोग सबसे ज़्यादा हैवी ग़िज़ाएँ खाते हैं, जबकि ये गलत है। अच्छा। रात को बहुत हल्की ग़िज़ाएँ इंसान को खानी चाहिए, दिन को नाश्ता फुल बेहतरीन करें, जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में बताए थे, और फिर दोपहर को और आप सहपहर को भी आप ले सकते हैं, मगर रात को हल्की ग़िज़ाएँ, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग जो है रात को ये हैवी खाना के लिए। अच्छा कई लोग सर पता क्या करते हैं, सुबह नाश्ता कहते हैं कि हम लोग भाई भी कहते हैं ना कि दोपहर को ना भी खाए, यहाँ तो पर उल्टा काम है माया, सुबह नाश्ता नहीं करते कुछ नहीं करते हाँ, और एकदम से काम से फारिग हो जाते हैं, फिर खाना शुरू कर देते हैं रात को, फिर रात पूरी रात फिर जागते रहते हैं, सही, क्योंकि नींद में बेचैनी आ जाता है, फिर वो आदि हो जाता है, सुबह तक उन्हें जागना होता है, नींद अजीब गरीब आ जाता है जब इंसान बहुत ज्यादा, और वो उसकी वजह से मैदे की खराबियां, गैस और ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है, हम कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं निदा तारिक बात कर रही हूँ जी। निदा, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप प्रोग्राम देख रही है हमारा? हाँ जी जी जी। डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाह रही है आप? हाँ जी, मेरी मामा पूछना चाह रही है आपको, मामा से बात जी कराइए, मामा से बात। वालेकुम सलाम। वो मैं ये पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर जी, डॉक्टर मेरी सिस्टर जो है ना शाम से डाइट बहुत ज्यादा खराब रहती है, मैंने टेस्ट करवाए हैं, मेरे से कितने के मोरे हो गए, और ये कोई मतलब है कि मुझ पर आ रहे हैं गले, तो इसके बारे में मुझे बताया, मुझे बीमारी का पता नहीं चल रहा मुझे क्या हो मोरों के, मोरों का प्रॉब्लम है आपने ये बताया क्या हमें? बताया, आवाज सही नहीं आ रहा। मोरों का प्रॉब्लम है, और उसके बाद गले में किसी है नोजल है, उसके लिए मैं तो मतलब खाती हूँ। हाँ तो शाम के टाइम सही ठीक चले जी, ठीक है अभी बता रहे हैं आपको डॉक्टर साहब, ठीक है। मोरों पे हमारा कल का प्रोग्राम। अच्छा डॉक्टर साहब मैं एक चीज मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग हमें कॉल करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि आपकी कॉल आती है, लेकिन अगर आप हमें भी सुनना चाहते हैं और अपनी बात भी पूछना चाहते हैं
तो ब्राय मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके आप वो करें, मतलब हमसे फोन पे बात करें, ताकि आपको भी आपका मसले का हल मिले और हम भी आराम से आपकी बात सुन सके। यहाँ पे इतना शोर हो रहा था, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी, हम नहीं समझ पाते और फिर हमें दुख भी होता है कि आपकी, हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, ये तो देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब कुछ लोग होते हैं कि पीछे उन्होंने आवाज भी सुनना होता है, सुनना होता है ना, मतलब नहीं, हम टीवी पे आवाज एक कॉल कर रहे बाकी सुन रहे होते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, अच्छा ये मोरो का तो कल हमारे प्रोग्राम हुआ था, बिल्कुल इन्होंने शायद देखा नहीं, लेकिन नेचुरल तरीके से मैं, क्योंकि ये बहुत ही एक सीरियस मसला होता है मोरों का, मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ अभी तो, लेकिन जो कल का प्रोग्राम था हमने बहुत कुछ बहुत सारी आपने टिप्स दी हैं, फेसबुक पे भी है, आप यूट्यूब पे सर्च करें, हाँ बिल्कुल नाज़रीन यूट्यूब पे देख सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के एक घंटे बाद जो है, दूसरी बात यह है कि आ भी सकते हैं, कहाँ से बात कर रहे थे, लाहौर में तो अभी हमारे सैटरडे को प्रोग्राम है, 17 दिसंबर जुमे को, फ्राइडे को। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है, हम कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी डॉक्टर जी, एबटाबाद से बोल रही हूँ। जी एबटाबाद से, नाम क्या आपका? जी मैंने अभी आपके कॉलर ने कॉल की थी कि उसको ब्लड प्रेशर हाई है और पेट की भी बताया था कुछ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो प्लीज आप उनको ये तो एडवाइस करें कि अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, क्योंकि उनके लेफ्ट साइड पे चेस्ट में पेन होता है, तो ये तो बड़ा जी, ये तो मेरी बात सुने, ये तो हमें मालूम है, जाहिरी बात है कि हम उनकी कॉल लेके उनको ये बात बताएंगे, आप हमें मतलब एडवाइस दे रही हैं। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे किसी भी इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों के बारे में बताइए। ब्लड प्रेशर नॉर्मल जी क्या होने चाहिए, किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के बारे में, दोनों के बारे में बताइए। जी नॉर्मल जो होते हैं तकरीबन 70 से 20 तक, अच्छा फासला जो दोनों के दरमियान होते हैं 70 to 20, ये बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, ये नहीं कि मिसाल किसी का अगर 90 है डायस्टोलिक 90 है या 80 है 90 है तो ये शायद बहुत बढ़ गए हैं, ये ख़तरनाक कोई बात होती है, एहतियात तो करनी चाहिए, डॉक्टर आपको तजवीज़ करता है कि आपके मुताबिक, कुछ लोग आदि हो चुके होते हैं और कुछ लोग तो ऐसे है कि मैंने खुद देखे हैं कि उसके डायस्टोलिक 150 हैं और जो सिस्टोलिक है वो 100-200 से ऊपर हैं, ये मैंने देखे खुद देखे, मगर मैंने उस शख्स में नॉर्मलिटी देखे बिल्कुल, मैंने कहा आपको कोई आवाज़ कोई ऐसा कानों में कोई चीज़ ऐसा जैसा कि वाइब्रेशन होती है आपको, चक्कर आते हैं आपको जो होते हैं, मकसद कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो उससे बहुत सी प्रॉब्लम्स होता है, वोमिटिंग भी आते हैं इंसान के और सर में दर्द लगने लगते हैं और बहुत कैफियत ख़राब हो जाते हैं, तो उसके जो कैफियत मैंने पूछे वो बता रहे थे नहीं ये मुझे नहीं होते, मैं हैरान हो गया था कि इस तरह भी लोग होते हैं, मगर चूंकि ब्लड प्रेशर लो अगर है तो वो इतनी ख़तरनाक होते हैं जिस तरह हाई होते हैं, ठीक ज़्यादा तो लो ब्लड प्रेशर जो है ये इंसान की उम्र में इजाफा करता है, मगर कभी कभी लो ब्लड प्रेशर बीमारियां ले आते हैं और लो प्रेशर ब्लड प्रेशर की वजूहात होते हैं, खून की कमी हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम हमारे अंदर हो सकता है, तो ये बड़े सीरियस मसला है, इनको गौर से देखने चाहिए और ये नहीं कि बस आपने मेरे बात को सुन ली है कि इतने होते हैं तो लोग नॉर्मल होता है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। अब मैं बालों के मसाइल की तरफ आऊँगी, सर मुझे ये बताइए कि बाल जो है ना औरतों के ज़्यादा गिरते हैं या मर्दों के? बाल क्या सवाल किया, ज्यादातर मर्दों के गिरते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा तो वैसा तो आम है, वैसा तो आम है, देखें मर्दों के बाल आजकल बेचारे सब सर पे बाल नहीं गंजे हो रहे हैं, लेकिन लेडीज के साथ पे आजकल है क्योंकि लेडीज बहुत ज्यादा केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं आजकल, इतना प्रोटीन का पता उनको नहीं है कि प्रोटीन से ही हमारे 100% जो है तकरीबन प्रोटीन से ही बाल बनते हैं, तो वो प्रोटीन को नहीं पहचानते हैं, उनको ये पता नहीं है कि मुझे बाल को खूबसूरत करना और बाल को अच्छा घने रहना और बेहतर रहना और ताकि जल्दी वाइट ना हो जाए, उसका उनको सोल्यूशन का पता नहीं होता है, अगर ग़िज़ा से हमें सोल्यूशन का पता है, नेचुरल तरीके से अगर हमें सोल्यूशन का पता हो तो हम इस तरह के मकसद ख्वार नहीं होते, इतना ज़्यादा केमिकल्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिसम में किस चीज़ की कमी होती है जो हमारे बाल जो है ज़्यादा टूटते हैं गिरते हैं या वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं?
प्रोटीन की कमी, बहुत से गजायत की कमी जो भी है, विटामिन की कमी हो सकता है, तो मेन जो होते हैं प्रोटीन है, क्योंकि तकरीबन तकरीबन 100% हमारे बाल जो है प्रोटीन से बनते हैं। कॉलर है, हम कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है? बात करवाइएगा जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब मौजूद हैं जी। जी जी जी, बोलिए बोलिए जी, बोलिए प्लीज। बात जी? बोल रहा हूँ मैं, बात करें प्लीज। जी जी, बात कीजिए, आप बात करें, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब। बात करूं, बात करें जी। सारे टेस्ट चाहिए, आपकी आवाज हमें बिल्कुल नहीं आ रही, आप थोड़ा सा जरा ऊंचा बोलेंगे? क्या हुआ आपको, प्रॉब्लम क्या? सारे टेस्ट चाहिए, निकल आ रही है। टेस्ट किए हुए है, प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। औलाद? औलाद नहीं, औलाद नहीं है। अच्छा, मैं भी सोच रही हूँ। आप बिल्कुल क्लियर है, यानी आप दोनों दुरुस्त है, सही है? दोनों क्लियर है। अच्छा, सही है, दोनों सही है, ठीक है। चलो ठीक है, मैं कोई नेचुरल तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है? कितना समय है वैसे शादी को आपकी? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, सारा कुछ ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो अभी बता रहे हैं आपको। अल्लाह बेहतर करेंगे, अल्लाह मेहरबान है। ओके, अल्लाह हाफिज़। देखिए, अल्लाह पे भरोसा बहुत जरूरी है, और रूहानियत से बहुत से हमें बहुत से कुछ मिलते हैं। नेचुरल तरीका बहुत से बेहतरीन तरीका है, जो सूरह इखलास है। सूरह इखलास आप दिन में तीन बार, सुबह 3 बार, दोपहर 3 बार, शाम को इस तरह पढ़ लें, या हर नमाज के बाद 3-3 बार आप पढ़ लेंगे, तो इंशाल्लाह ये मसला हो जाएगा। और रेड कलर जो है, रेड कलर को लेके सूरत फातिहा, सूरत इखलास पढ़ते हुए उन पे आप फूंक लगाएं, फूंक मारें 3 बार, तो ये पिए तो मियाँ बीवी दोनों इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे, अल्लाह आपको औलाद देंगे। ये मैंने आजमाए हैं काफ़ी, इससे बहुत से मसाइल का हल होते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई ऐसा राह नज़र नहीं आता है मेडिकली, या तो हमें करनी चाहिए कि कोई रूहानी तरीका, कोई अल्टरनेटिव तरीका। जिस तरह समदा लेवल 8 में है, समदा लेवल 8 में यही एक प्रोसेस होते हैं, जो कि अल्लाह ताला जो समदा जो हम करवाते हैं अभी, जो वर्कशॉप होंगे इनके लाहौर में, तो ये इससे हम जो करते हैं, तो अल्लाह ताला लोगों को, बहुत से लोग हैं जो अल्लाह ने औलाद दी है, और अल्लाह मेहरबान। बहुत बहुत अच्छी बात है। 8 मतलब समदा हीलिंग के इसके 8 लेवल में आपने बताया ना। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिन जो लोग किसी सदमे से ज़्यादातर मतलब नॉर्मल होते हैं, और उनको अचानक कुछ सदमा मिले, तो वो भी क्या ब्लड प्रेशर के मरीज बन सकते हैं, या उनको ब्लड प्रेशर हो सकता है? लेकिन इस सवाल का जवाब मैं लूँगी एक कॉल के बाद। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, लियाकत बात कर रहा हूँ बक्कर से। जी लियाकत, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, परफेक्ट हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल यह मेरा कि मेरी सिस्टर है छोटी, जी जी, तकरीबन 21 ईयर्स उम्र है उनकी। अच्छा। और वो कोई चीज भी खाती है तो वो चबा नहीं सकती, काफी मसला रहता है। और 21 ईयर्स की हैं, अगर कोई चीज नीचे गिर जाती है तब भी उनको तकलीफ सी महसूस होती है, यानी वो लड़ना शुरू हो जाती है कि इसे क्यों गिराई है नीचे आपने, आपको डॉक्टर ने बताया होगा कि कोई आसबी वो है ना, कि मोमेंट नहीं है सही, क्या बताया? आसबी कोई प्रॉब्लम बताई होगी डॉक्टर। हेलो जी जी, कोई डॉक्टर ने आपको आसाबी प्रॉब्लम बताई होगी? डॉक्टर के दिमागी दिमाग से जो डॉक्टर साहब ने जो कुछ नहीं बताया, वो बस गोलियां दे देते हैं, वही हम घर पे रहते हैं, उसके बाद भी कोई असर नहीं होता, काफी तकलीफ रहती है उनको, काफी मरतबा चेक करवाया उनको। अच्छा चलो चलो, मैं बताता हूँ। देखिये मसला मुझे फिर भी समझ नहीं आया, क्योंकि कुछ होते हैं कि एक्सरसाइज ये ठीक हो जाते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ योगाई एक्सरसाइजेस होते हैं जो अगर आप करेंगे तो उससे ये मसला ठीक होता है, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेस में उसमें इजाफा कर देते हैं। ये मसला कौन सा है ये मुझे समझ नहीं आया, ये कोई नर्व्स का है,
मसला, कोई दिमाग की कोई होते हैं, बहुत रीजंस है इसके। तो इस मसला को समझते हुए आपको हमारे वर्कशॉप अटेंड करें तो समदा हीलिंग एनर्जी से इंशाल्लाह इसका हल होगा, प्रॉपर पता चलेगा। देखिए बच्चे को बिल्कुल मोटिवेशन दें, बच्चे को थोड़े से उनके साथ दें, थोड़ा खुश रहें, साइकोलॉजिकल थोड़ा उन्हें खुश रखें, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे, अल्लाह मेहरबान है, इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। और साथ ही आप सूरह फातिहा पढ़ते हुए तो ये भी उनको बताएं कि वो खुद पढ़ लें और दिल दिल में पढ़ें बेशक, तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा अल्लाह बेहतर करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल था आपसे, जिस तरह कि मैंने पूछा आपको कि अक्सर लोग जब बहुत नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं अचानक उनको कोई सदमा मिलता है तो क्या वो भी ब्लड प्रेशर के मरीज बन सकते हैं? जब अचानक किसको सदमा, सदमा अचानक जिनको सदमा मिलता है तो वो भी क्या ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाते हैं? नहीं, ब्लड प्रेशर के तो नहीं बन जाते, लाइफ में ऐसा हादसा पेश आ जाए, हादसा कोई पेश आए, लेकिन बाल गिर सकते हैं। अच्छा बाल गिर सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरे पास कॉलर भी मौजूद है, कॉल लेने के बाद मैं देख लूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो, फैसल बात कर रहा हूँ। जी फैसल, जी फैसल डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? फेस है ना जो बहुत, हेलो, फेस पे क्या हो रहा है तो फैसल, फेस पे क्या होता है बताएं? हेलो फैसल बताएं, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन वक्त हो रहा है। जी जी डॉक्टर साहब, वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आएंगे और मेरे पास कुछ सवाल आते हैं, कुछ बालों के टॉपिक हैं और कुछ हैं और हम आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं, तो हमारे साथ रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बातें कर रहे थे जो हमारे प्रॉब्लम्स थी, हेयर प्रॉब्लम्स थी और लो ब्लड प्रेशर आज हम डिस्कस कर रहे थे। और डॉक्टर साहब से मैं वही पूछ रही थी, बिल्कुल डॉक्टर साहब मैंने वही, मेरा सवाल था, आप जो कह रहे थे कि बालों का प्रॉब्लम भी हो सकता है और कह रहे थे कि लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, सदमे से या हादसे से? सदमे से, देखिए कोई भी सदमा हमें या साइकोलॉजिकल या फिजिकल मिलते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ हादसों में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कुछ हादसों में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अगर ज़्यादा खूनरेजी हो, कहीं खुदा ना करदा कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई हादसा है, तो उससे तो ब्लड प्रेशर वाकई लो होता है, जिसको फिर जब बहुत ज़्यादा खून जाता है तो उसके लिए फिर ज़रूरत होती है खून की, खून लेने की मकसद आर्टिफिशियल तरीके से। अच्छा, हमें खून देना पड़ता है। तो बात यह है कि ये तो होता है, बिल्कुल सही बात, और कभी कभी बाल भी गिर जाते हैं। डॉक्टर साहब फिर इस तरह तो फिर जो नफ्सियाती मसाइल वाले जो लोग हैं, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों के पास ऐसा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखा गया आज तक बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है खवातीन में भी, हजरात में भी, केमिकल ट्रीटमेंट अपने हेयर के साथ, वो मतलब डाई करने लगते हैं और बाउंडिंग होती है, और भी बहुत सारे तरीके आ जाते हैं केमिकल ट्रीटमेंट। कॉल आ गई हमारे पास, हम कॉल लेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बात में बात। तभी मैं थोड़ा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है कहाँ से? जी जी कौन बात कर रही है कहाँ से? मैं सीरत बात कर रही हूँ लाहौर से। कौन बात कर रही है? सीरत। सीरत जी, सीरत कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, और मैं तो डॉक्टर अब्दुल समद से बात कर रही हूँ। बिल्कुल बात कीजिए, हमारे साथ मौजूद है, पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम, मुझे ये पूछना था कि मेरे चेहरे पर एक्ने पिछले काफी अर्से से है, अब खत्म तो हो गई है, लेकिन स्टिल आई गॉट मार्क्स ऑन माय फेस और वो खत्म नहीं हो रहे, डिमोलिश नहीं हो रहे, जबकि मेरी एज 23 हो गई है, काफी क्योर करवाया लेकिन नहीं ठीक हो रही। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो मैं आप, और उसके अलावा मुझे ये भी पूछना था कि मेरे ना राइट लेफ्ट साइड पर ना जो नर्व हेड में जाती है उसकी पल्सेशन बहुत होती है। क्या होता है राइट साइड पे? क्या, नहीं नहीं एक सेकंड, आपने क्या बोला राइट साइड पे क्या है? पल्सेशन, यानी कि जो नर्व हेड की तरफ जाती है ना, वहाँ पल्सेशन बहुत ज्यादा होती है मुझे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, डर लगा रहता होगा आपको। जी जी बिल्कुल, अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको। नहीं होता, नहीं होता है। अच्छा चलें, कुछ और पूछना है आपने? जी
वो तो अभी एज के साथ होती है, वो तो हो जाती है। देखिए एज जो ये जो एज होते है इसे जवानी दाने भी कहते हैं ना, जवानी अच्छा यही कहते हैं हार्मोन्स के जो चेंजेस है उससे होता है। ठीक, तो ये तो ऐसा ऐसा आप खुद भी बता रहे हैं ख़त्म हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक साल में या चंद महीने में इस तरह के हो सकता है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। सही। दूसरी बात है कि कोई नर्व के राइट साइड पे राइट साइड की जो नर्व है हाँ वो प्रॉब्लम कर रही है थोड़ा सा उनको, वो कह रही वो बहुत ब्लिंक होती है। अच्छा राइट साइड पे उनको नर्व का प्रॉब्लम है, तो राइट साइड पे अगर उनको कोई कहाँ पर यहाँ गर्दन में बता रहे थे ना, राइट साइड कहा था बस, राइट साइड का है ये नहीं पता कि उनका बाजू का बोला ही। अच्छा अच्छा, तो देखे वो कोई नर्व का प्रेशर में आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की नर्व का है ये प्रॉब्लम, या कोई कभी कभी कोई बहुत वजूहत होता है। अब क्या वजह है इसका, तो एक्सरसाइज डॉक्टर भी आपको तजवीज़ करते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, थोड़ी गर्दन की जो है ये मुश्किल जो भी गर्दन के लिए जो प्रॉब्लम्स है, 10 बार आप क्लॉक वाइज और 10 बार एंटी क्लॉक वाइज सुबह सुबह ज़रूर कर लिया करो, गर्दन कमर गर्दन सीधा करके, और 3-4 बार ये हर रोज़ कर लिया करो, किसी भी टाइम कर सकते हैं ये। आप नाश्ते से पहले करें तो बहुत अच्छा है, अगर नाश्ते के बाद भी करें तो भी कोई बात नहीं, मगर नाश्ते से पहले खाली पेट पे अच्छा है, और साथ गहरे गहरे सांस लें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे, ये ठीक हो जाएगा। अच्छा सर वही जो मैं बात कर रही थी, बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा सवाल था कि जो केमिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं लोग तो उससे भी बाल गिरते हैं, मतलब ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है। जी बहुत बहुत बड़ी वजह तो आजकल है यही। देखिए जो हम चीज़ देखते हैं वो रियल में वो चीज़ें जो केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं कुछ चीज़ें सही हो सकते हैं मगर कुछ चीज़ें, ये शैम्पू जो है ना केमिकल है, ठीक है, कुछ अच्छे कंपनीज का अगर आप शैम्पू यूज़ करते हैं वो तो इतना नुकसानदेह नहीं होता है, मगर अगर आप हर रोज़ लोग धोते हैं अपने बालों को, हर रोज़ उसको जो है ना वो ड्राई करते हैं, जो ड्रायर है हेयर ड्रायर जो है वो बहुत वो भी खतरनाक होते हैं। हम क्या करें, हमें तो हर रोज लेडीज गर्म करके वो इस तरह की कुछ करते हैं, हाँ जी जी गरीब। तो ये आप लोग जब भी अगर कहीं आपने जाना होता है तो थोड़ी जल्दी नहाएं ताकि बाल कुदरती तौर पे खुद ही खुश्क हो जाए, बेहतर है ड्रायर से ना करें। आजकल हर घर में ड्रायर्स हर जगह पे इतने ज्यादा होते हैं, बल्कि एक घर में मैंने देखे 5-6 ड्रायर्स वहाँ पर। अनुप साहब हमारे पास एक कॉलर है, इस बात को कंटिन्यू करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? वालेकुम सलाम, कहाँ से? मैं क्वेटा से बात कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? जी जी, नाम क्या आपका? हम सुन रहे हैं आपको। हिना है, मैं क्वेटा से बात कर रही हूँ। जी हिना, हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ पूछना चाह रही हैं आप? डॉक्टर साहब से बात करना चाहूंगी। बिल्कुल पूछिए। बिल्कुल हिना जी, बात करें। मैं एक्चुअली डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मेरा मसला ये है कि कभी कभी मेरी जो हार्ट बीट है वो थोड़ी ना तेज हो जाती है, जब मैं लेटी हूँ या बैठी हूँ जैसा फील होता है कि मेरी हार्ट बीट बहुत नॉर्मल ही है, बहुत तेज है, तो लेकिन मुझे उसमें मुझे पता नहीं चलता कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है या लो है। अब मुझे बता सकते हैं कि ये दो, ये जो मेरी हार्ट बीट तेज है ये इसकी क्या वजह? हार्ट बीट किस टाइम पे तेज हो जाते हैं? मतलब मुझे फील होता है कि मेरी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है, तेज है ना, तो जब मैं लेटी हूँ तो बहुत ज्यादा फील होता है, क्योंकि हम जब लेटते हैं इस तरह हमारी हार्ट बीट का पता नहीं चलता है ना, लेकिन जब मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज होती है तो मुझे उस टाइम पता चल रहा होता है कि मेरी हार्ट बीट तेज है। अच्छा ठीक है, ये आपके वजन कितने है? नॉर्मल है 68 बताया, 58 उम्र कितने हैं जी? आपकी उम्र कितनी, एज के? मेरी 24। अच्छा, इस एज में जो है ना ब्लड प्रेशर, तो मैं समझता हूँ ये ब्लड प्रेशर की अलामत नहीं है, कभी कभी हमारे जो पल्स जो हमें कोई बैठे होते हैं
जिसके दिल जो है ना वो खून पंप कर रहा होता है पल्स की वजह से, कभी कभी आपने देखे कि कुछ लोग यू भी हो रहे होता है क्योंकि वो हार्ट जो है ना वो पंप कर रहा होता है खून, तो ये वजह तो नहीं है आपका? बीमारी नहीं है, शुक्र अल्लाह का बीमारी नहीं है, इसको तो बीमारी कहते ही नहीं है बिल्कुल। वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब कि मैं यही पूछना चाह रही थी कि कुछ खाने से या कुछ, मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या वजह है? देखिए कोई वजह नहीं है, ये कोई मसला नहीं है, आपको कोई और मसला तो नहीं है, कोई चक्कर तो नहीं आ रही है, कोई साथ में दर्द तो नहीं हो रहे हैं, हाँ नहीं कोई मसला नहीं है आपको, ये कोई बात नहीं है, मगर फिर भी एहतियातन आप ज़रूर डॉक्टर को जाके आप चेक करवाएं, लाजमी करवाएं, ठीक है। लेकिन आप थोड़ी सी अगर इस तरह होता है तो आप गहरी गहरी सांस लें, थोड़ी देर में ये नॉर्मल हो जाएंगे, आजमा के फिर मुझे कॉल करना, सही है? ठीक है डॉक्टर साहब, एक और मेरे क्वेश्चन जी, जी जी बोलिए बोले। मुझे बालों के बारे में पूछना था, ये बाल बहुत बेरुखे से बाल है। अच्छा, तो इनके बारे में आप कुछ बता सकते? बिल्कुल बता रहा हूँ, आज का टॉपिक भी हमारा यही है, बिल्कुल टॉपिक ही है, ठीक है। सबसे अच्छा सवाल आपने किया है, बात कर रहे थे कि जी जी डॉक्टर साहब बालों पे डिस्कस कर रहे थे, जो केमिकल्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जो लोग ड्रायर जो हेयर ड्रायर जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक, उन्होंने प्रॉब्लम बताई, यानी बहुत खतरनाक तो नहीं कह सकता मैं ये, यानी सही नहीं है, इसकी वजह से भी हो क्योंकि उनकी गर्म जो वेव्स हैं वो सारी हमारे सर के अंदर जाती हैं, इसलिए चाहिए कि थोड़ा ठंडे पानी से अगर बाल धोएं तो और अच्छा, लेकिन अगर बाल बहुत गंदी है कभी कभी जो है ना तो हमें गर्म पानी मैं तो नीम गर्म पानी के अलावा तो मैं सर धो ही नहीं सकती, मुझे तो बहुत ये तो बात है इसलिए बालों के लिए गर्म ठंडे पानी अच्छे होते हैं। अच्छा, और प्रोटीन को खाना, प्रोटीन को इस्तेमाल करना ये ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, प्रोटीन शैम्पू जिस तरह के है ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें क्योंकि बालों के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि मैंने भी कुछ अर्से पहले जिया को मालूम है कि मैंने अपने बालों में डाई करवाया था, मैंने डबल कट डाउन करवाया था 40 वॉल्यूम का, तो वो इतना कोई था कि मेरा पूरा स्कैल्प जो था वो पूरा बर्निंग हो गई थी बहुत ज़्यादा, और मुझे इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं सर नहीं रख पा रही थी, मुझे ऐसा लगता था मैं गंजी हो गई हूँ सब इसको बोल रहे थे क्या ज़रूरत थी क्या नेचुरल एक अपनी चीज़ होती है। तो वो आपको पता है कि हम शोबिज़ से रिलेटेड भी हैं तो हमारी शूट्स ऐसी होती हैं अक्सर, तो उस पर मुझे ये करवाना पड़ा था, उसके बाद से मेरे बाल बहुत ज़्यादा इस तरह के हो गए कि रूखे से, और मतलब मैंने बड़ी ट्रीटमेंट की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा बिल्कुल सही, देखिए थोड़ी एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है, बाल बहुत गहने बहुत बेहतरीन हो जाते हैं। अच्छा, मैं खुद भी, आपने अपनी कहानी सुनाया, मैं खुद अपनी कहानी सुनाता हूँ कि मैं एक वक्त खुद भी, यानी मेरे बाल जो थे टूटली तौर पे गिर गए थे, मेरे कोई सर पे कोई बाल ही तकरीबन ना होने के बराबर। अच्छा, वजह यह था कि मैं बहुत ज़्यादा, यानी मैं सिर्फ वेजिटेबल लेता और मेडिटेशन मराकबे करता रहा, तो उस वजह से मैं कोई चीज़ इस्तेमाल, मीट वगैरह ये चीज़ें बिल्कुल प्रोटीन का तकरीबन ना होने, सब्जियों में से जो कुछ मिलते थे क्योंकि सब्जियों में से भी रोज़ा रखता था मैं, ज़्यादातर रोज़े में ये सारा कुछ होता, शाम को थोड़ी सी सब्जी वो भी कच्ची सब्जी लिए, तो ये बहुत अरसा मैं 6 साल मैंने ये रियाजत की, 6 साल मैंने रोज़ा रखा, तो 6 साल में मेरे बाल टूटली तौर पे गिर गए थे। अच्छा, अब आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देख रहे हैं मेरे बालों को, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब ऐसे बड़े मजे की बात है कि हमारा ऐसा दिल कर रहा है तस्वीर निकाल के दिखाएं बुक्स में, और सर जब मैं आपसे जब स्टूडेंट थी इस बात में आपको पता थे आपके बाल बहुत अच्छे थे, मुझे याद है इस बात, माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे थे। और अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब बालों पे तो काफी लंबी चौड़ी बातचीत हो गई है, मैं चाह रही हूँ कि ब्लड प्रेशर की तरफ भी आए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी नफसियाती मसाइल किस हद तक जिम्मेदार है लो ब्लड प्रेशर के लिए? बहुत से, यानी ये जो मैंने आपको मैं अपने कहानी सुनाई, तो मैं व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे मकसद मायूस नहीं होने चाहिए, जो अभी जो हम प्रोग्राम करें इसमें हम हल बताएंगे आपको इंशाल्लाह, ये हल हो जाएंगे ये चीज़ें, तो ये इसलिए ये कहानी मैंने बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपका जो सवाल है वो भी हम, मैं ये पूछी थी नफसियाती जो मसाइल के जो लोग हैं नफसियाती वजह से बहुत हो सकता है। देखिए नफसियाती वजूहात बहुत है, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बालों का गिरना
आधा जो है तकरीबन 50 मेडिकली 50% नफसियाती बीमारों से हो सकता है, 50% सोचने की वजह से, 50% नफसियाती सोच है जो भी है, जो भी आप सोचते नफसियाती जो होते हैं इंसान को मसाइल जो नफसियाती वजह से होते हैं, ठीक है, नफसियात की वजह से, और जो बाकी जो है कोई प्रॉब्लम कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है उसकी वजह से होता है, ठीक। अच्छा। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि 50% नहीं, नफसियाती वजह से 70% मेरा जो अपना नजरिया है। डॉक्टर साहब इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं राव हसन बात कर रहा हूँ। राव हसन जी, असद बात कर रहे हैं जी। असद कहाँ से बात कर रहे हैं? मुल्तान से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वहाँ बहुत सर्दी हो रही है और हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब मेरी फेस जो बहुत ऑयली रहता है। फेस आपकी क्या रहते हैं? ऑयली बहुत रहता है। ऑयली रहता है जी। जी अच्छा अच्छा ठीक जी। ऑयली फेस को आपको हमेशा, क्योंकि ऑयली हमेशा ये नेचुरल होते हैं इंसान के, क्योंकि ऑयल तो स्किन। अच्छा अभी डॉक्टर साहब आपको जवाब दे रहे हैं। अच्छा अच्छा वो स्क्रब स्क्रब करने से, क्योंकि ये नेचुरल होते हैं नेचर, क्योंकि ऑयली को किस तरह की स्किन को आप धोना पड़ता है लाजमी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब इस बात का जवाब अगर आप माइंड ना करें तो मैं चाह रही हूँ कि एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो ब्रेक के बाद आके हम इस चीज को भी कंटिन्यू करेंगे और जो मैंने सवाल किया था उसको भी हम आगे और लेके जाएंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जो आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था हेयर प्रॉब्लम और लो ब्लड प्रेशर, तो इससे रिलेटेड हम लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। ऑयली फेस के बता रहा था वो मोहतरम के मुल्तान से जी, बिल्कुल तो प्रॉब्लम थी कि अच्छा ऑयली फेस को तो सिर्फ मेरे ख्याल में इसके कभी ये बहुत अजीब साबित हो जाता है, क्योंकि ये जो ऑयल निकलते हैं ये फिर खुश्की की सूरत में आ जाते हैं। वो सर्दियों में फिर ऐसा ऑयली जो स्किन होती है ये खुश्की इसमें ज़्यादा हो जाते हैं, तो एहतियात करना पड़ता है। पानी सबसे ज़्यादा पीने पड़ते हैं और सब्जियों को लेना पड़ते हैं ऐसे फल जिसमें पानी ज़्यादा होते हैं, और साथ ही जो है ना धोना पड़ता है फेस वॉश ज़्यादा करना। बिल्कुल सही, ये मेरे ये नेचुरल हल है इसका। सही, मैं भी डॉक्टर साहब बहुत फेस वॉश करती हूँ, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। इससे ना मतलब एक तो मेरे अगर मैं ना वॉश करूँ तो पिंपल निकल आते हैं या कुछ ना कुछ हो जाता है, स्किन और गंदी हो जाती है बहुत ज्यादा। सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल, ये पिंपल निकल जो पोर्स हैं वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। नहीं मैं भी आप सही कह रहे हैं कि वॉश करने से बहुत फर्क पड़ता है। जिया वॉश करूं तो बहुत ठीक ठाक पर बालों पर फिर आ जाते हैं। एक सवाल है सर, बड़ा अच्छा सवाल है कि बाल बनते किस चीज से हैं? ये बाल बनते किस, हाँ एक तो ये सवाल और दूसरा ये है कि मंथली जो है कितनी लेंथ बढ़ती है बाल, क्योंकि बड़ी टेंशन रहती है ना सबको बाल कितने बढ़ते हैं, तो आप बताएं कि कितनी मतलब बढ़ते हैं कितने? जी बाल तकरीबन 1 इंच महीने में, सॉरी आधा इंच एक महीने में, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, मगर आम सा जो है आधा इंच यानी महीने में आधा इंच बढ़ते हैं। अच्छा। और बाल बनते किस चीज़ से है? प्रोटीन से, तकरीबन 100% बाल प्रोटीन से ही बनते हैं। अच्छा। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के बालों के लिए बड़ी ज़रूरी है। एक और मादा केमिकल से साथ जो है वो उसका नाम है कैटरीन, आप नाम भूल गया हूँ मैं, हाँ से मेरे ख्याल प्रोटीन का एक दूसरा मादा है, एक दूसरे में साथ होते हैं केमिकल, उसको कैटरीन कहते हैं और वो इसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। अच्छा, अच्छा। बाल फ्लेक्सिबल होते हैं क्यों? और या हैरानगी मैं बताऊं आपको, अगर वो केमिकल नहीं होते हम बाल नहीं काट सकते थे, क्योंकि अच्छा। फिर दर्द होता था बालों में।
ये ऐसे डेड नहीं होता है क्योंकि हम कहते हैं अभी जो दर्द नहीं हो रहे, ये चीज जिंदा चीज है, ठीक है, बाल हमारे जिंदा चीज है, तो ये मुर्दा मुर्दा नहीं है, ये फ्लेक्सिबल जो बनाता है वो भू मादा बनाते हैं। अच्छा। और इसका दर्द भी होता है मगर वो मादा ऐसे है कि दर्द को महसूस होना नहीं देता। तो सर ये तो आपने बहुत ही हमें इन्फॉर्मेशन दी क्योंकि ये बात नॉर्मल लोगों को नहीं पता नहीं। कि ऐसा भी होता है, होता है, कि होता कोई, अच्छा इसमें कोई ऐसा मादा होता है जो कि इसको दर्द से रोकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। आप अटकी हुई बालों में, मैं अटकी हुई ब्लड प्रेशर पर, डॉक्टर साहब। अच्छा मेरा सवाल है आपसे कि जो लो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं क्या वो फिजिकल जो बीमारियां होती हैं उनके बाइस भी बन सकते हैं या वैसे ही मतलब नॉर्मल भी? फिजिकल ब्लड प्रेशर जो लो होते हैं, जी जी जी, फिजिकल बीमारियों के बाइस भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है? बिल्कुल, फिजिकल बीमारियों की वजह से देखे हमें अगर شدید कोई बीमारी है तो ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, कोई और वजूहात बड़ी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉलर भी हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूही नाज है। रूही नाज? रूही नाज जी। रूही नाज, रूही कहाँ से बात कर रही हैं आप? डॉक्टर साहब से बात करनी थी। कीजिए, आप कहाँ से बात कर रही हैं पहले ये भी बताएं। मेरा पेट और हिप्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है, दो मेरे बेबी है। अच्छा, दो बेबीज है और क्या बढ़ गए हैं? पेट बढ़ गए। अच्छा, ये तो हर किसी का आजकल मसला है। अच्छा, ये मसला तो हर किसी का है। और डाइटिंग के बारे में मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया और अगले प्रोग्राम में भी बताऊंगा, ठीक है? मुझे मेंशन बहुत कम आते हैं। अच्छा ठीक है, बोलिए आगे। और मुझे ना पेन बहुत रहता है पेट में। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, चलें अभी बता रहे हैं डॉक्टर साहब आपको, ठीक है? देखिए ये है, ओके, लाफी जी, जरूर गायनेकोलॉजी से टेस्ट करवाएं, ये जरूरी है क्योंकि पेन कहाँ क्यों वजह होता है, क्या वजह है, ये जरूरी है। और पेन को इस तरह नहीं छोड़ना, आपने गायनेकोलॉजिस्ट को आप जो करें, और जरूर नेचुरल तरीका ये है कि आप अपने मेडिटेशन करें, मराकबा करें, अल्लाह बेहतर करेंगे। दूसरा उनका प्रॉब्लम क्या था कि पेट बढ़ गया, पेट बढ़ने का तो आजकल दौड़ है, बड़े प्रॉब्लम है। तो ये डाइटिंग का मैंने पिछले प्रोग्राम में हमारा यही एक टॉपिक था, अगले भी रखेंगे इंशाल्लाह, मोटापे पे एक प्रोग्राम हम करेंगे। हाँ। और उस पर मैं डाइट, ऐसी डाइट इंशाल्लाह बताऊंगा, ऐसे डाइट चार्ट आपको बताऊंगा जो कि आपको लाखों के मिलते हैं क्योंकि आजकल चार्ट बिकते हैं, लोग फरोख्त करते हैं, एक चार्ट कई लाख के होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे ये बात मतलब अभी इनका है लेकिन मैं, हमारे पास एक कॉलर भी है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है? मैं पेशावर से बात कर रही हूँ। नाम क्या आपका? डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। आपका नाम क्या है? नैना। नैना जी, नैना डॉक्टर साहब से बात कीजिए। नैना बात करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम, कैसे आप अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, मुझे ये प्रॉब्लम था कि मेरे हार्मोन्स का प्रॉब्लम था, पीएस का मसला था, और जिसके लिए मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए थे, सब टेस्ट करवाए थे, और वैसे तो सब नॉर्मल आया था लेकिन जो हार्मोन्स थे उसमें जो एफएसएच हार्मोन था वो कम था, मतलब वो 6 था, बाकी दो 9-9 थे और ये 6 था। उसने मुझे टेबलेट्स दी थी कि जब ये इससे आपको पीएस आ जाएंगे तो आप मेरे पास आना, उसके बाद मैं आपको हार्मोनल जो टेबलेट्स दूंगी वो दूंगी और आपको मैं कोर्स करवाऊंगी। जब वो टेबलेट्स में लेके आए तो मेरी दादी ने वो सारी टेबलेट्स उठा के फेंक दी कि इसका कोई इलाज नहीं होता है और मतलब तुम घर में ही कुछ किया करो और इस चीज से अपने आपको डिस्टर्ब मत करो, ये खराब हो जाएगा। और दादी के साथ ये मसला था, फूफो के साथ यही मसला था। अच्छा, ये आपके ऊपर फैमिली में है? फैमिली नहीं, तो टैबलेट किसने फेंका? आपके दादी ने? दादी ने। अच्छा अच्छा। हाँ जी, वो खुद भी मतलब वो डॉक्टर हैं और उन्होंने कहा कि आइंदा इस प्रॉब्लम के लिए कभी भी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, इसका कोई नहीं होता है और इससे बाल आ जाएंगे, मोटी हो जाओगी, ये हो जाएगा, और वो उन्होंने मुझे नहीं खाने दी। उसके बाद मुझे नॉर्मली मतलब 1 महीने बाद 2 महीने बाद आ जाते थे, अगस्त में आए थे, उसके बाद 3 मंथ्स हो गया और मतलब 11-12 जब डेट होती है उसमें बहुत अजीब सा फील होने लग जाता है और इरिटेशन होती है, झगड़ने को दिल करता है इस तरह से।
हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स के अनबैलेंसिंग है, क्या है, कौन से हार्मोन्स की बात करें? क्योंकि जी जी बोलिए जी जी, कौन से हार्मोन, किस हार्मोन्स की बात कर रही हैं आप? मैं हार्मोनल प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ कि मतलब उसमें सिर्फ एक्सरसाइज, मैं आपको सिर्फ रिपोर्ट्स का बता रही हूँ कि उन वो जो रिपोर्ट्स आई थी, टेस्ट किया था उन्होंने, ब्लड टेस्ट वगैरह, उसमें जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें एक्सरसाइज कम था। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन डॉक्टर साहब मैं एक वो सही उनकी जो उन्होंने किया बिल्कुल सही किया, डॉक्टर साहब तो आपको एडवाइस देंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वाकई ऐसा है, क्योंकि डॉक्टर्स को मतलब मेरा ख्याल नहीं कि इनके पास इस चीज का डॉक्टर्स के पास इलाज होता है। क्योंकि देखें गायनाकोलॉजिस्ट से अच्छा कोई इसका हल नहीं बता सकता। ठीक है, देखिए अगर उनकी दादी ने खुद डॉक्टर है तो उनको ये तजवीज नहीं किए, तो कोई ना कोई उनकी खुद अपने तजुर्बात होगी कि इसका सबका नहीं होता है, मकसद कभी कभी किसी का इलाज नहीं होता है, तो ये डॉक्टर या मेडिकल तो ये नहीं कि बिल्कुल इलाज नहीं, किसी और का हो सकता है। कि देखिए एक डॉक्टर के पास अगर 100 पेशेंट जाता है तो 100 में से तकरीबन 25 या 30 ठीक हो जाएंगे, बाकी तो किसी और डॉक्टर से या किसी और तरीके से या ऑटोमेटिकली होते, मगर यानी थोड़ा इलाज तो है कि उन्हें हाँ, मेडिकल, है, मेडिकल में तो एहतियात करनी चाहिए। नेचुरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप योगा करें और आप थोड़े मेडिटेशन करें, बेहतरीन है, आप संदा हीलिंग एनर्जी को सीख लें, अगर कोई ये भी साथ बाकी ट्रीटमेंट्स के साथ ये आप कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आपको मसला हल हो जाएगा। हाँ, इससे अच्छा। ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना, जैसे इनकी दादी ने जो मेडिसिन फेंक दी उसकी वजह ये होगी, सोच रही हूँ कि साइड इफेक्ट में, जैसे वो कहती मोटी हो जाओगी तो तुम्हारी हेयर ग्रोथ। मैं मेरी जानने वाली है, उनके साथ ये प्रॉब्लम था, उनको भी उन्होंने कहा कि नहीं आपको मैं टेबलेट दूंगी और आपको मतलब कुछ अर्से क्रीम स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि उसकी टाइमिंग्स बहुत मतलब डिस्टर्ब हो गई है। फिर मेरी भी अपनी जो कजन्स हैं डॉक्टर्स हैं वो भी, वो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये गलत होता है, आपने आपकी जो फ्रेंड थी उसको ये बताओ कि ये उसने गलत किया, इसलिए क्योंकि अब डॉक्टर्स में ये चीज ज्यादा हो जाती है। अच्छा, मेडिसिन का तो देखे जरूर कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं बिल्कुल, मगर जो बहुत जरूरी होता है कभी कभी ट्रीटमेंट करना। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल एंड पे है और मैं चाह रही हूँ स्पेशली मैसेज कर दें आप, जो कुछ मैसेज देना चाहते हैं। बिल्कुल एंड पे चला गया, बिल्कुल जी एंड पे चला गया मैसेज के बाद। नहीं, मुझे आप ये जो बाल गिरते हैं इसके समदा जो है इसमें कोई इलाज बताएं। समदा ही लेंगे ना, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह बालों का इलाज होते हैं। ये मेरे अपने बाल को देखे, ये मेरे अपने बाल देखे, नाज़रीन देखे मेरे बाल को। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ऐसे बहुत बहुत से कुछ पॉसिबल है, और समदा से तो लो ब्लड प्रेशर, और मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि नाज़रीन आप आराम से अगर लो ब्लड प्रेशर है, सबसे पहले इसके तरीका मैं बताऊंगा कि, और ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि जो लो ब्लड प्रेशर है वो समदा हीलिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं। हमारे पास कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, डॉक्टर साहब प्लीज आप जल्दी से इनका दोनों का जवाब बता दें। लो ब्लड प्रेशर के लिए कोई ऐसा नरम, बहुत नरम जगह ना हो, ऐसे सीधा लेट जाए, गहरा सांस ले, पांव को थोड़ी सी ऊपर रखे, पांव को ऊपर रखे थोड़ी ऊंचाई पे, और गहरा सांस लिए, सांस को लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता लें वापस, तकरीबन इस तरह करते हुए आप 10 बार कम से कम करें, और इंशाल्लाह लो ब्लड प्रेशर जो है ये नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल उस रात को सोने से पहले और सुबह या दोपहर को किसी दिन, अगर थक जाते हैं लो ब्लड प्रेशर वाले तो भी ये कर लें, इससे ब्लड बहुत ताकत मिलते हैं और हार्ट को भी तकवीत मिलते हैं हमारे। अच्छा, लो ब्लड प्रेशर के लिए मतलब नॉर्मल करने के लिए सर्कुलेशन बहुत जबरदस्त तरीके से होता है, मगर ये इग्नोर नहीं करना कि लो ब्लड प्रेशर अगर है डॉक्टर से जरूर बात करनी है। और दूसरा आप क्या बता रहे थे, क्या बताएं? बाल गिरते हैं तो इसके लिए समदा हीलिंग एनर्जी में आप क्या जी? समदा हीलिंग एनर्जी तो वो तो जब तक हमारे पास कोई आए ना हम ट्रीटमेंट नहीं बता सकते, उसका हल तो मौजूद है, वो आएंगे तो हम ट्रीटमेंट बता सकते हैं। अभी लाहौर में सेमिनार है हमारे इस सैटरडे को है, इंशाल्लाह 3 बजे शाम को 3 बजे होते ही तो वर्कशॉप होता है, तो उसमें हम बता सकते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, मैं ये भी कहना चाहूंगी आपको कि प्लीज आप वो सेमिनार अटेंड करना ना भूलेगा, जो लोग लाहौर में है और जो उसके अड़ोस पड़ोस शहरों में वाकया हैं लोग, तो वो प्लीज जरूर जाएं, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी हेल्प करने के लिए डॉक्टर साहब वहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं, सेमिनार है पीसी होटल में। और मैं डॉक्टर साहब आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, आपका भी शुक्रिया। माया मलिक को इजाजत दीजिए और जिया को, डॉक्टर साहब को अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।